चलेगा। हुआ कि ही हुआ, हेलो यश, हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाय मिस आर के ठाकुर, अक्षत मोदा, ओके इट हैपेंस टू वेरी क्लोज टू माय वेर आई वाज, वेर आई एम फ्रॉम ओरिजिनली। सो कुछ लोगों को और ऐड कर लेने दो एंड देन आई विल बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन, आई विल टॉक अबाउट माय स्ट्रेटजी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस देख के आंसर करूँगा। हाय एम आई ऑडिबल, प्लीज़ आंसर कर दो यार कुछ लोग कि एम आई ऑडिबल, बोलने में और सुनने में कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है। हेलो चक्रमा, चक्रपाणी गौतम, हैप्पी। अच्छा प्लीज कैन समबडी आंसर इफ आई एम ऑडिबल और नॉट, इज देयर एन इश्यू विद माय वॉइस और हाय निहारिका। ओके ओके, थैंक यू गोपाल पंडित जी। और वीडियो ठीक आ रहा है ना? नो इशू, ओके देन वील बिगेन। ओके देर आर ऑलरेडी 150 लोग तो जुड़ गए हैं, आई थिंक दैट्स इनफ। उसके बाद बाकी लोग जुड़ेंगे तो वो क्वेश्चन पूछेंगे एंड आई विल गिव एन आंसर। ओके हेलो दानिश, हेलो गोल्डन बॉय, धीरज कुमार हाय, शरू चवन हाय, भूपेंद्र चंदेल हाय। ओके देन आई विल बिगिन एन इंट्रोडक्शन। ओके एज यू ऑल नो माई नेम इज अशार्ट शेखर, I've secured rank 12 in this year's civil services examination. I'm 24 years old. I am from Lucknow, but my family originally comes from two districts of Bundelkhand, Hamirpur and Banda. My father's family come from Hamirpur, my mother's family come from Banda. And I completed, since my father is in a transferable job, I have traveled across Uttar Pradesh. Studied in many cities of UP like Pratapgarh, Ghaziabad, Bijnor, Lucknow, but I completed my class 10th from CMS in Lucknow and class 12th from Lamartine College, Lucknow. After that, I came to Delhi to pursue my graduation. और मैंने graduation करी है St. Stephen's College से economics honors में, तो अभी एक question आया था, मैंने देखा था economics के ऊपर, so I'll also answer that, मुझे याद रहेगा वो question. अब उसके बाद देखो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुंड क्लियर माय प्रीलिम्स। अब वो स्ट्रगल होती है, अलग ही होती है प्रीलिम्स ना क्लियर कर पाने की, आई टॉक अबाउट दैट आल्सो। एंड इन द सेकंड अटेम्प्ट आई वेंट टू द इंटरव्यू स्टेज, सो एज मैंने जितने भी पेपर लिखे हैं आई हैव क्लियर्ड मीन्स, तो मुझे लग रहा था कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ। थैंक यू साक्षी 3208। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू, उसके बाद मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट था, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस में मार्क्स था 758 एंड 173 मेरा इंटरव्यू में था, तो वो टोटल 931 बन के आया था एंड मेरा 944 कट ऑफ था एंड आई मिस्ड इट बाय अराउंड 13 मार्क्स इन माय सेकेंड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट था ये मेरा जो मेरा इस साल हुआ है, जो अक्टूबर 10th में प्रीलिम्स था। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस साइकिल ऑफ यूपीएससी 2021 वाज द फैक्ट दैट द साइकिल वॉज द शॉर्टेस्ट एवर, आई थिंक 7-8 महीने में ही सारा काम हो गया, सो आई एम मोर देन हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू मनोज यादव, कल्याणकर डी, वैभव, थैंक यू एवरी वन, थैंक यू एवरी वन हु इज सेंडिंग मी मैसेजेस, आई एम नॉट एबल टू से थैंक यू टू लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग मी कॉन्ग्रेचुलेशन। अनिल भाई मेरी रैंक 12 थी, 12 12वीं, ओके एंड दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट, 12वीं एंड दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉज क्राइंग एट माई होम। वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा, वो कैसे लिख हुआ है, आई विल नॉट गो इन टू दैट स्टोरी इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग।
उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट था एंड थर्ड अटेम्प्ट में मेरे मेंस में है 863 एंड माय इंटरव्यू इज 162 क्वाइट अंडरवेलमिंग और मेरा टोटल है 1025 एंड आई एंडेड अप विद द रैंक ऑफ 12. आई एम मोर देन ग्रेटफुल टू एवरीवन जो इस जर्नी का पार्ट था. मैं बहुत ब्रीफ में अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा अबाउट हाउ डिड आई प्रिपेयर और व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी. और मैं थैंक यू आशा राजपूत, थैंक यू परी, थैंक यू अंकित सिंह. आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन बट देर आर सो मेनी मैसेजेस कमिंग बिलो दैट आई कांट रिप्लाई टू एवरीवन. बट एवरीवन का बिल्कुल दिल से धन्यवाद कि आप मैसेज कर रहे हो. सो दिव्या, माई ऑप्शनल वॉज ज्योग्राफी. मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था. दिस ईयर आई एंडेड अप विद द हाईएस्ट स्कोर इन ज्योग्राफी 306 156 इन पेपर 1 एंड 150 इन पेपर 2. मैं अभी सारी स्ट्रैटजी डिटेल में बताता हूँ. इन देखो प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रैटजी वॉज वेरी क्लियर दैट वही जो ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं जो आप पढ़ते हो. मैं बहुत ब्रीफ में रहूँ, बहुत बहुत ब्रीफ में बात करूँगा बिकॉज आई थिंक आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन माई स्टोरी इटसेल्फ. सो देखो प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रैटजी बहुत सिंपल रही थी कि ठीक है, थैंक यू किरण सुथर, अमित दागर, बहुत अच्छा फील हो रहा है. इसीलिए मैं कहता हूँ एवरी स्ट्रगल इज वर्थ इट. जब आप क्लियर कर लेते हो उस लाइन के इधर आ जाते हो तो यू विल फील वेरी हैप्पी. देखो प्रीलिम्स में आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स, आई नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन. आई एम थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ यू. अब देखो ऐसा है कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटजी बहुत सिंपल होती है कि आप अपना जितने ज़्यादा ज़्यादा से आप टेस्ट कर सकते हो आप उतने टेस्ट करो, उनके सॉल्यूशंस रीड करो. और एन इफ यू डन अराउंड 100 टेस्ट जो मैं कहता हूँ शुड बी द बेंचमार्क. मैं लेकिन ये भी कहता हूँ कि आप मिनिमम 60 करो, उसके बाद अगर आप 100 जा रहे हो आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. और उसके जब आप 10,000 क्वेश्चन को आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते हो, उनके सॉल्यूशंस रीड करते हो, यू विल हैव इनफ कंटेंट कंबाइंड विद एटलीस्ट 2-3 रिविजन्स ऑफ योर बेसिक टेक्स्ट बुक्स. यू विल हैव इनफ कंटेंट ऑफ इसका मेन 65 पीटी 65 जो भी किताब होती है आप उसको पढ़ लो, दैट यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर प्रीलिम्स. यही मूल मंत्र है प्रीलिम्स का और कुछ नहीं है. जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर सकते हो अपनी बेसिक बुक्स को जो होती है पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एंड ऑल दीज डिफरेंट बुक्स, यार हर किसी को पता ही होता है उन बुक्स के बारे में. मैंने भी वही बुक्स पढ़ी. मैंने भी ऐसे ही जैसे आज आप मुझसे पूछ रहे हो कौन सी बुक, एनसीईआरटी बुक्स के रीडिंग के बाद आप उनको फिर से रिवाइज करो. देखो बेसिक तरीका यही है कि पर वही है कि मार्जिनल यूटिलिटी हर बुक की खत्म होती जाती है एवरी सक्सेसिव टाइम यू रीड इट. सो द बेस्ट वे टू स्टडी दिस बुक्स कि आप उनको 2-3 बार पढ़ लो, उसके बाद आप टेस्ट करो. जब टेस्ट में आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कई चीज देखोगे तो आपको याद रहेगी लंबे टाइम तक. तो दैट वॉज माई ट्रिक, रिविजन चूजिंग एनी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन. जैसे मैं पीटी 365 यूज करता था और मैंने न्यूज़पेपर को ज्यादा यूज नहीं किया अपने प्रीलिम्स में. उसके बाद आप कंपाइलेशन को 2-3 बार पढ़ लो, दिस इज द बेस्ट थिंग. लेकिन सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज डूइंग क्वेश्चंस इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मेंस पीटी टेस्ट सीरीज जो होती है प्रीलिम्स की. देखो मेंस का मेरा बहुत सिंपल था, अगेन द सेम थिंग, रिविजन ऑफ द बेसिक टेक्स्ट एटलीस्ट 2-3 बार तो कर ही लो. उसके बाद आप टेस्ट लिखो. जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट इवन अपेयरिंग इन द यूपीएससी. एंड दिस इज द सीरियस इशू दैट ऑल ऑफ अस फेस. हम टेस्ट नहीं लिखेंगे, हम एक बार पढ़ लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, व्हेन वी फील कंफर्टेबल वी विल राइट द टेस्ट. अभी ऐसे होता है बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे. अगर आपका सिलेबस पूरा भी नहीं है और अगर आपका एक टेस्ट शेड्यूल्ड है देन नो मैटर दो हेवेंस मे फॉल यू हैव टू गिव द टेस्ट. आपको टेस्ट देना ही देना है, उसका कोई अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता है. टेस्ट इज द मोस्ट, मेरा जो पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था इट रिवॉल्व अराउंड टेस्ट. टेस्ट में अब मेरे टेस्ट में कुछ चीजें क्या करता था, हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स देना, हर एक पॉइंट में बेसिक केस स्टडीज देना, जहां पे डायग्राम की जरूरत होगी उतना ही डायग्राम बनाना. डायग्राम्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद तो बस बेसिक जो लक्ष्मीकांत पढ़ ली और कोई नया सोर्स नहीं पढ़ा, केवल नया सोर्स उन चीजों के लिए पढ़ा जो सिलेबस में नया टॉपिक था. जैसे आपका गवर्नेंस वाले पार्ट के लिए नोट्स बना लिए, एग्रीकल्चर वाले पार्ट के लिए नोट्स बना लिए, एथिक्स के लिए नोट्स बना लिए. दिस वॉज द होल स्ट्रैटेजी. अब वो आप देख लो, मेरे कई सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो. सो आई डोंट वॉन्ट टू बी वेरी मच टॉकिंग अबाउट दिस इन मच डिटेल. आई वॉन्ट टू कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. ओके देखो इंटरव्यू का ऐसा है कि इंटरव्यू बोर्ड आर वेरी प्रोफेशनल. अब वो कैसे होता है इंटरव्यू में, कैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो डैफ से क्वेश्चन होगा जो आप फॉर्म भरते हो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म,
या आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होगा क्वेश्चंस का, करंट अफेयर्स, दो चीजें जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ते हो. तीसरा होता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे, समटाइम्स दिस हैपेंस. सो वही है कि इंटरव्यू इज ए लीस्ट प्रिडिक्टेबल स्टेज ऑफ द इंटरव्यू. एंड मैनी, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इंटरव्यू देके आएंगे उनको लगेगा बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने अपना इंटरव्यू एस कर दिया है, बट उनके नंबर्स बहुत बेकार आते हैं. अब देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि फोकस ऑन योर मेंस. जैसे मेरे भी इंटरव्यू में नंबर बहुत अच्छे नहीं है, मेरे 162 है इंटरव्यू में, एंड इवन आफ्टर दैट आई हैव एंडेड अप विद अ गुड रैंक ऑफ 12. इसलिए बिकॉज मैंने मेंस पे फोकस किया, और मेंस में मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, राइट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल एंड राइट एज मेनी, उसके बाद हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल देना, जहां पर डायग्राम बनाना डायग्राम बनाना, आंसरिंग टू द बेसिक डिमांड ऑफ क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और मेरा ऑप्शनल आप जानते हो ज्योग्राफी है, मेरे इस साल 306 हैं. अब ज्योग्राफी के लिए भी वही ट्रिक थी, पेपर वन हमारा बहुत कंसेप्चुअल होता है, पेपर टू बहुत कंटेम्प्रेरी होता है. कंटेम्प्रेरी पेपर को द ओनली वे यू कैन मेक इट ज्योग्राफिकल इज बाय गिविंग मोर एग्जांपल्स, केस स्टडीज, डायग्राम्स एंड प्रैक्टिसिंग एज मच. मैंने ऑप्शनल पे सबसे ज्यादा फोकस किया था. इनफैक्ट आई एंडेड अप राइटिंग 10 टेस्ट इन ऑप्शनल्स. मैंने अपने, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैंने उसमें अपलोड किए हैं अभी मेरे ऑप्शनल वाले आंसर कॉपीज. सो उस हर चीज में आंसर राइटिंग इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग. अब यूपीएससी में मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में कितना आपको आता है. आपको रट लिया, आपने सारी किताबें रट ली, उसके बाद आप क्या लिख रहे हो और आपका मार्क्स क्या आ रहा है, उसमें ब्रॉड डाइवर्जेंस हो सकता है. क्योंकि यूपीएससी में कितना आता है वो मैटर नहीं करता, आप कितना अच्छा लिखते हो उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा, उसके बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी. और कितना अच्छा आता है वो डिपेंड करेगा आप कितना बार लिख चुके हो. हमारी क्लास 10th 12th में जब हमारे बोर्ड्स होते थे तो हमको कोई नहीं कहता था आंसर राइटिंग के लिए, बट टुडे आई रियलाइज अगर वहां पे भी आंसर राइटिंग की होती तो शायद नंबर अच्छा आता. बिकॉज ये चीजें हमको केवल यूपीएससी में बताई जाती हैं. और बात ये है कि आप आंसर राइटिंग लिखते लिखते ऐसे फेज पे आते हो कि एट ए सर्टेन पॉइंट आपको लगेगा कि हमें बुक्स की जरूरत ही नहीं है आंसर लिखने के लिए, दैट थिंग्स बिकम सो इजी. और आपको उस फेज में आना है. मैं हर किसी से यही कहता हूं कि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मेरे से कोई पूछ रहा है शेड्यूल के बारे में, देखो शेड्यूल बहुत सिंपल होता है. वो जो स्ट्रेट जैकेटिंग होती है ना कि आई एम दिलकुश मिश्रा, नाइस टू मीट यू, हैप्पी टू मीट यू एज वेल सर. क्लास 10th में आपके 99 नहीं थे, मेरे 99.9% नहीं था मेरे 10th में. मेरे 10th में 96.4% था या 2% ऐसे ही कुछ था. क्लास 12th में मेरा था 99% इन बोर्ड्स. पर उसका कोई फायदा ही नहीं है. यूपीएससी हैज देयर वेज ऑफ हम्बलिंग यू. मुझे लगता था कि मेरी आंसर राइटिंग अच्छी है तो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करी सेकंड अटेम्प्ट में, एंड आई एंडेड अप नॉट इवन इन द लिस्ट. जो फाइनल पीडीएफ होता है ना, होली पीडीएफ, उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं था मेरा. तो मैं आ रहा हूँ भूपेन चंदेल जी, मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चंस पे, सबके क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ. बट लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग थिंग. तो आंसर प्रैक्टिस करो, एंड वही आंसर राइटिंग के साथ क्या है कि इट इज एन इंट्यूटिव थिंग. पीपल टॉक अबाउट इट इन फिजिकल टर्म्स कि यार आंसर राइटिंग हमसे पेपर नहीं कंप्लीट होता है, हमको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है. एंड इवेंचुअली यू विल कम टू रियलाइज दैट एट अ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल आंसरिंग क्वेश्चंस, यू विल रियलाइज कि आंसर पेपर कंप्लीट करना will become easier after you've written 4-5 tests. But उसके बाद एक intuitive understanding आती है, and an intuitive confidence will develop आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ यार हम आंसर लिख सकते हैं. और वो कॉन्फिडेंस मेरे को आ गया था by the end of December. And when I had written my अभ्यास paper, you won't believe कि जो अभ्यास के papers मैंने लिखे थे, अभ्यास विजन IAS का कंडक्ट कराता है, दो दिन में 4 papers in an exact mock style जैसे UPSC में होता है, 2 दिन में 4 paper वाला. I ended up with a score of 429.5 marks in general studies. How many hours we study for UPSC? देखो वो personal to personal होता है यार. किसी का 4 घंटे, किसी का 7 घंटे होता है, किसी का 8 घंटे होता है, किसी का 10 घंटे होता है, किसी का 12 घंटे होता है. But eventually मैं by the end of November, in December I was studying for 12 to 14 hours. ये मेरा हो गया था. पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि आप पहले दिन से ही 14 घंटे पढ़ने लगोगे. पहले आप धीरे धीरे पढ़ो, फिर इवेंचुअली यू विल गेट यूज टू इट. सो मेरे जो मार्क्स थे, क्या नाम है उसका यार, यस अभ्यास विजन की टेस्ट सीरीज में मेरे 429.5 थे, और इस साल मेरे यूपीएससी में 429 है. सो दैट इज अ वेरी गुड पैरामीटर. तो मेरे को एक बार आइडिया हो गया दैट आई एम डूइंग वेल. वंस यू गेट अबव 400 मार्क्स इन योर अभ्यास पेपर तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और वो कॉन्फिडेंस मेरे
ऑप्शनल की आंसर राइटिंग से भी आया, तो मैंने वही चीज कही। मेरे ऑप्शनल में भी अच्छे नंबर आते थे, 130 प्लस ही आते थे हर पेपर में, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड 150 पर। वही है कि थैंक यू निहारिका सर, नोट्स कैसे बनाए। आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस, वंस अगेन, जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट्स टू टॉक अबाउट। तो उसके बाद ऐसा है कि देखो, तो जब मैंने वो पेपर लिख लिए तो आई रियलाइज कि हाँ यार, कुछ कुछ मार्क्स आ जाएंगे। अब वही है कि जो मेरे अभ्यास में पेपर 3 और पेपर 4 में मार्क्स आए, वो मेरे एक्चुअल एग्जाम में कम आए, पर मेरे पेपर 1 एंड पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर आ गया। पेपर 1 इन जनरल स्टडीज आई हैव 120, पेपर 2 इन जनरल स्टडीज आई हैव 119, सो दीज कवर्ड अप माई बेसिस इन अदर पेपर्स। सो पेपर 1 और पेपर 2 में वही है, हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल डायग्राम, आंसरिंग टू द कोर डिमांड ऑफ क्वेश्चन, जो कोर डिमांड है उसको मिस नहीं करना है। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग इसी में फंसे रहते हैं यार। ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि बुक लिस्ट, मेरा टेलीग्राम चैनल का शायद नाम है यशार्थ शेखा, ऐसे ही कुछ है, मैं शेयर कर दूंगा, बता दूंगा मैं अभी, मुझे देखना पड़ेगा अपने इंस्टाग्राम चैनल का नाम। तो वही है कि 3 चीजें मैं बताऊंगा कि आप अपने सोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट करिए, उनका मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए, आंसर राइटिंग खूब प्रैक्टिस करिए। विदाउट आंसर राइटिंग यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, मैं बार बार कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि आंसर राइटिंग क्लियर नहीं होगा। और उसके बाद जो थर्ड चीज है वो है प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, अगेन आंसर राइटिंग का ही एस्पेक्ट है। हर क्वेश्चन में कोशिश करिए एग्जाम्पल डायग्राम फैक्ट। थैंक यू रोहित सिंह, थैंक यू निहारिका, थैंक यू दिलकुश मिश्रा। अच्छा, प्लीज शेयर योर टेलीग्राम अकाउंट। यार मेरा टेलीग्राम अकाउंट, एक सेकेंड रुको मैं बताता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा, इतना कोई इशू नहीं है, तो मुझे उसका नाम तो पता हो एक बार। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का नाम दे रखा है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, क्या है उसका नाम, ऐसे है ये शार्ट शेखर CSE21AIR12, ऐसे ही है कुछ मेरा उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट, मैं बताता हूँ। हाँ, यशार्थ अंडरस्कोर शेखर 98, ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं बाद में शेयर कर दूंगा। तो ऐसा है कि देखो, हाँ, नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चंस। थैंक यू यशार्थ, चलो मेरा नाम है आपका भी सर, आपका शुभ नेम यशार्थ शेखर है भाई, मेरा सेम नेम, बहुत लोग नाम देख के समझते हैं कि आई एम फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, किसका नाम शेखर होता है, देन व्हेन आई राइट वाई शेखर इट लुक्स लाइक समबडी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सर मैथ्स ऑप्शनल के इंस्टा अकाउंट, सर यशार्थ शेखर ही है मेरा यूजर नेम। आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, मैं क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। आई थिंक आई हैव शेयर्ड इन ब्रीफ माई स्ट्रैटेजी, अब मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, बिकॉज देर आर सो मेनी वीडियोज अवेलेबल। हाउ कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 10th? क्लास 10th के बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि यार ह्यूमैनिटीज लेना है या साइंस लेना है। तो मैंने तो ह्यूमैनिटीज ले लिया था क्लास 10th में, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे और कोई फील्ड नहीं सूट करती, आई वॉन्टेड टू बी ए सिविल सर्वेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मैंने अपने लाइफ के डिसीजन भी वैसे लिए। 11th आई केम टू लमाटिनिया, क्योंकि वहीं पे मुझे ह्यूमैनिटीज मिल रही थी, और बाकी जो दूसरा स्कूल था जिसमें मिल रही थी वो बहुत दूर पड़ता था, और तब मेरे लिए 20 किलोमीटर लखनऊ में 20 किलोमीटर जाना इज अ वेरी बिग डील, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखो, किसी ने भी शेयर किया है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, क्या नाम है, आदित्य के मिश्रा ने शेयर किया है मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम, ठीक है। और उसके बाद देखो ऐसा है कि और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था तो मुझे कोई इशू नहीं होता था, उन्होंने बोल रखा था तुम 6th अटेम्प्ट तक भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये पेरेंट्स की बैकिंग होना जरूरी है, तो आप बात करिए 10th के बाद, आई थिंक द बेस्ट स्ट्रीम टू फॉलो, अगर आपको कोई प्लान बी लेके नहीं चलना है तो वो है ह्यूमैनिटीज, आप उसको फॉलो करो, वही आप इवेंचुअली देखो। 10th के बाद क्या हुआ कि 10th में मैंने मॉडर्न इंडिया पढ़ा, 11th में भी मॉडर्न इंडिया पढ़ा, 12th में भी मॉडर्न इंडिया पढ़ा, फर्स्ट ईयर में मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो मॉडर्न इंडिया पढ़ा, सेकंड ईयर में मैंने खुद मॉडर्न इंडिया पढ़ा, थर्ड ईयर में मैंने फिर से कोचिंग ज्वाइन करी थी, मैंने मॉडर्न इंडिया पढ़ा, उसके बाद में 4 साल था मॉडर्न इंडिया। सो आई एम स्टडिंग मॉडर्न इंडिया फ्रॉम क्लास 10th, सो उससे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है सब्जेक्ट्स की। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सर मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं दूंगा वरना फोन बजने बंद नहीं होंगे, समझो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट वन सेकेंड। हाय, प्लीज शेयर योर स्ट्रैटेजी। व्हाट आई देखो, डेली रूटीन बहुत सिंपल था। मॉर्निंग में मेरा दिन 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, ऑप्शनल फर्स्ट चीज में करता था, सेकेंड चीज में करता था जनरल स्टडीज, एंड थर्ड चीज में करता था अपना
न्यूज़पेपर मैं 3 घंटे पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट, केवल वो फिक्स था कि 3 घंटे है उसके लिए, बाकी कुछ फिक्स नहीं था। यूजली मैं ऑप्शनल को अपने 6 से 5 से 6 या 7 घंटे भी कभी कभार पढ़ता था, पर वो लगातार होता था, मैं ब्रेक नहीं करता था कि मतलब 4 घंटे पढ़ लिया, उठ गए फिर दूसरा पढ़ लिया, एक बार उठ गए फिर वो आपकी फ्लो नहीं बनता है, तो मैं उठता नहीं था। देखो साक्षी, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छा होता है। लास्ट ईयर ज्योग्राफी में भी हाईएस्ट नंबर 287 आया था। अगर मैं सोशल मैं ORN में मुखर्जी नगर में रह रहा होता तो मुझको यही रेकमेंड करते कि ज्योग्राफी ऑप्शनल मत लो, पर वही अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप उसी को फॉलो करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएगा। मैं तो ये कहता हूँ ऑप्शनल को फोकस करो। नाउ कमिंग टू माय शेड्यूल, द सेकंड स्लॉट वाज रिजर्व्ड फॉर माय जनरल स्टडीज और उसको मैं 3 से 4 घंटे मैक्सिमम रखता था। उसके बाद 3 से 4 घंटे मेरा न्यूज़पेपर था, 3 घंटे ही था न्यूज़पेपर, और बाकी उसके टाइम में जब मैं खाना खाता था तो मैं कट द क्लटर देखता था, ऑफ क्या है उसका नाम, शेखर गुप्ता का कट द क्लटर देखता था, बाकी मैं रेगुलरली कुछ नहीं फॉलो करता था। देखो मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना तो हमारा सबसे ज्यादा मोटिवेशन होता है पढ़ाई का, मेरा तो होता था, तो मैं 5 से 6 घंटा लगातार मैं पहल देता था बिना विदाउट स्टॉपिंग। तो उसे क्या होता था कि कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती थी, मॉर्निंग में कोई जल्दी मुझे कॉल भी नहीं करता था। आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, बट मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा फोन ही बजता रहता है और मैं ज्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं था। मेरा 1-2 फ्रेंड्स है जिनसे मैं बात करता था, तो उन्होंने फिर मेरे को वो मैसेज कर देते थे या मैं उनसे बात कर लेता था। तो मॉर्निंग में लगातार 5 आवर्स वॉज माई टारगेट कि एटलीस्ट 5 घंटे बिना रुके पढ़ाई करनी है ताकि 12 घंटे में से 5 घंटे खत्म हो जाए, उसके बाद 7 घंटे बचे। तो ये मेरा स्लॉट था, मैं वो नहीं पढ़ता था कि 2 घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे का ब्रेक, 3 घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे का ब्रेक, ये मैं नहीं करता था। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन डू दैट, पर मैं नहीं करता था। कोचिंग की आपने नहीं, मैंने करी है कोचिंग, बट इवेंचुअली योर सेल्फ स्टडी विल हेल्प यू। अगर मैं जनरली बोलूं तो जनरल स्टडीज के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शनल के लिए आपको गाइडेंस लेना चाहिए क्योंकि ऑप्शनल रिक्वायर्स अ लिटिल बिट मोर डिटेल स्ट्रेटजी, डिटेल में पढ़ाई करनी होती है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा गाइडेंस कोई दे सकता है तो दे दीजिए। हेलो सना, यस ऑप्शनल सोशियोलॉजी हैपन्स टू बी अ वेरी गुड ऑप्शनल, जितना मुझे लोगों से पता है तो आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं। GPSC के लिए क्या, देखो यार गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का यार मुझे ज्यादा पता नहीं है, आई थिंक GPSC उसी के लिए होता है तो मैं उसके बारे में नहीं, मैंने तो UPPSC का भी फॉर्म नहीं भरा है कभी तो मैं उसके बारे में भी नहीं बात कर सकता हूँ। देखो कोचिंग नेसेसरी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, ऑप्शन के लिए भी नहीं है और जनरल स्टडीज के लिए भी नहीं है, पर मैं अगर मेरी कोई मतलब पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ऑप्शन के लिए ले लेनी चाहिए, पर जनरल स्टडीज के लिए यू कैन डू इट ऑन योर ओन। बस सिलेबस ज्यादा है उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। भाई हरिलाल चौरसिया जी, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था 3 अटेम्प्ट में, और आप एक बार देखो मैं ये कहता हूँ कि ऑप्शन लेने से पहले दुनिया भर का सोच लो कि क्या ऑप्शन लेना है, और लेने के बाद 1 सेकंड भी आपको नहीं सोचना है बदलने के लिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेडिकल को ऑप्शन ले सकते हैं, हाँ मेडिकल को ऑप्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड लॉट ऑफ पीपल हैव इवन टॉप्ड, मुझे नाम नहीं याद है पर मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने टॉप किया है मेडिकल साइंस लेकर के। सो वही है कि आप जिस ऑप्शन में कॉन्फिडेंट है। पॉलिटी कैसी रहेगी, माई पॉलिटी तो उसी में आती है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन विच हैपन्स टू बी वन ऑफ द हॉटेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट राइट नाउ, तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो प्री का सिलेबस वही है जो सिलेबस में मेंशन है, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, वो सब किताबें पढ़नी है, उसको बार बार रिवाइज करना है। ज्योग्राफी के लिए PMFIS पढ़ना है, थोड़ा सा GC लियोंग से पढ़ना है कुछ टॉपिक, तो कुछ टॉपिक NCERT से पढ़ना है, बस उसी को रिवाइज करना है बार बार। आप किस कोचिंग से प्रिपरेशन किए, देखो मैंने क्लास अपने फर्स्ट ईयर में मैंने राउज IAS ज्वाइन किया था, उसके वीकेंड बैचेस, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था। थर्ड ईयर में मैंने शायद श्रीराम ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने अपनी ऑप्शनल की कोचिंग ले ली थी, उनमें से जो मुझे समझ में आया मैंने किया। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी के लिए अपना एक अजय राज सर हैं ज्योग्राफी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे पहले, उनके मैंने वीडियो लेक्चर्स ले लिए थे, और मेरा फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ था जब 2019 में, तो मैंने उसके वर्बैटिम नोट्स बनाए थे और वही नोट्स, और जो उसके बाद देखा कि कोई टॉपिक अगर कवर नहीं है मेरे ज्योग्राफी में तो मैंने वही सविंदर सिंह, DS लाल की क्लाइमेटोलॉजी, उन सबसे पेजेस फाड़ फाड़ के चिपकाए थे। तो अब मेरे पास अगर कोई पूछेगा कि मेरे पास सविंदर सिंह रखी है कि नहीं रखी है तो आपको नहीं मिलेगी सविंदर सिंह की बुक, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि मेरे नोट्स में इधर हियर एंड देयर ऐसे ही बटी हुई है। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट हाउ टू क्रैक। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में वही है कि प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज करो और रिवाइज करो, और मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज करो, रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। अगर मेरी थर्ड अटेम्प्ट में मैंने अपनी 2 मिस्टेक्स को सॉल्व किया, वो था प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज लिखना और मेंस में भी टेस्ट सीरीज लिखना और ऑप्शनल पे फोकस करना, स्पेशली फॉर जनरल कैंडिडेट्स, क्योंकि उनकी मेरिट लिस्ट थोड़ी ऊपर जाती है, तो अगर उनको मेरिट लिस्ट में नाम बनाना है तो उनका तो ऑप्शनल बहुत अच्छा होना चाहिए।
दृष्टि नोट्स, यार मुझे नहीं पता यार, देखो दृष्टि नोट्स का मुझे नहीं पता। रिविजन टाइम स्पैन, यार रिविजन का ऐसा है कि टेस्ट सीरीज के साथ मैंने पढ़ाई करी थी, तो मैंने कभी रिविजन का बर्डन लिया नहीं यार कि रिविजन करना है। देखो रिविजन किसी को अच्छा नहीं लगता है, पहली बार पढ़ना हर किसी को अच्छा लगता है, पर ये हमको लेना पड़ेगा बर्डन। तो देखो जॉब के साथ प्रिपरेशन ऐसा है कि अगर देखो किस तरह की जॉब है, अगर वो जॉब यार 12-14 घंटे की है तो मुश्किल हो जाती है प्रिपरेशन, अगर वो जॉब 6-7 घंटे की है तो आप अपने लिए 5-6 घंटे का टाइम निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। तो उस हिसाब से देखो यार, आप देखो मोटिवेट रहने का एक ही तरीका है यार, अपने शेड्यूल को स्टिक करो, डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ कि आपको हर बार शुरुआत से बिगिन करना पड़ रहा है, शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ रहा है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेनिंग। एक बार आप उस शेड्यूल में पार्ट बन गए, इफ वंस यू बिकम पार्ट ऑफ द शेड्यूल यू शुड नॉट ब्रेक दैट शेड्यूल, फिर क्योंकि आपके दिमाग में प्लान्स आने लगेंगे, अगर मैं इस स्पीड से चल रहा हूँ तो मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। अब आपने स्पीड ही बदल दी अपनी पढ़ाई के, तो आपका जो डेली टारगेट था, मंथली टारगेट था, ईयरली टारगेट था, आप उसको मिस करोगे, राइट? तो बेस्ट चीज़ यही होती है कि स्टिक टू योर शेड्यूल नो मैटर वॉट। फ्रेंड्स आए पार्टी के लिए नहीं जाना है, 3 महीने तो स्पेशली यार जो प्री के और मेंस के बीच में होते हैं ना 3 महीने, दैट इज लाइक अ गॉड गिवन गिफ्ट टू यू, बिकॉज टू क्लियर प्री प्री एंड टू बी एबल टू यू नो राइट मेंस एक ब्लेसिंग की तरह होता है यार। तो 3 महीने तो आप कुछ मत बर्बाद करो अपने, प्लीज बहुत मेहनत कर लो उन 3 महीने में। एंड मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ, पर्सनल फाइनल इसमें नाम आने के बता रहा हूँ कि एवरी स्ट्रगल दैट यू डू टिल द पॉइंट यू 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 गेट सेलेक्टेड, आपको 1 इंच नहीं पता चलेगा उसके बारे में, यू वॉन्ट फील इवन एन आयोटा ऑफ द स्ट्रगल दैट यू फेस टू गेट देयर, ओके? एंड द लाइफ चेंजेस, आई कैन टेल यू। क्या है आज 26 है शायद, आई थिंक बेयरली आई थिंक 27 डेज एंड 26 डेज हुए हैं, एंड आई कैन टेल यू लाइफ विल चेंज। जस्ट वो 3 महीने अच्छे से मेहनत करनी है। देखो हाउ कैन आई स्टार्ट, आई एम इन 9th क्लास, हाउ कैन आई स्टार्ट प्रिपेरिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, हाउ कैन आई स्टार्ट, यार वही है यार, हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, एंड आफ्टर 10th यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको सिविल सी करना है या प्लान ऑप्शन प्लान बी रखना है। मैं होता तो मैं तो ह्यूमैनिटीज ले लेता, पर दैट्स अ पर्सनल डिसीजन नाउ। यार मुझे आलोक रंजन सर के बारे में पता नहीं है इतना, बिकॉज आई हैव नेवर स्टडीड फ्रॉम हिज नोट्स और वॉच्ड हिज वीडियोज ऑनलाइन। कभी कभार कोई टॉपिक अगर उनका मिल गया तो शायद देख लिया, पर ऐसा मैं नहीं बता सकता हूँ उनके बारे में। मॉर्निंग होते तो आप क्या कर रहे थे, आप मॉर्निंग, समझ में नहीं आया क्वेश्चन यार। यार हिंदी मीडियम के लिए कौन सा न्यूज़पेपर रहेगा सही यार, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है यार। हिंदी मीडियम का क्या होगा, हिंदी मीडियम का ऐसा है कि आई थिंक वही दैनिक जागरण ही होगा या अमर उजाला होगा, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ मेरा रियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, उसका यूज़र नेम है यशार्थ शेखर, जो मेरा नाम है स्मॉल में विदाउट एनी गैप नथिंग व्हाट्सएवर। यार ऑप्शनल का, यार सोशियोलॉजी ऑप्शनल का मुझे पता नहीं है यार, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, सो आई कैन से। सर माई इंग्लिश इज पुअर बट इंग्लिश में प्रिपरेशन करना है यार। अब मैं तो ये बोलता हूँ कि स्टिक टू योर स्ट्रेंथ, यार जो आपकी स्ट्रेंथ है आप वो करो। ऐसा नहीं है कि हिंदी ऑप्शन हिंदी लैंग्वेज वाले नहीं क्लियर कर रहे हैं। आप रवि कुमार सिहाग को देखो यार, 18th रैंकर है यार, हाउ मच स्ट्रगल ही इज डन टू गेट देयर यार। उसके बाद आप सुनील धनवंता को देखो, आई थिंक इज रैंक 222 है। तो ऐसा नहीं है, दिव्या तनवर देखो, ऐसा नहीं है कि हिंदी रैंक वाले हिंदी लैंग्वेज वाले दे डोंट गेट सेलेक्टेड। आप अपने स्टिक टू योर स्ट्रेंथ एंड यू विल गेट देयर, यू विल गेट व्हाट यू वांट। बेसिक चीज़ ये है। व्हाट टाइम इज नीडेड टू कंप्लीट द कंप्लीट सिलेबस, यार 1 साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन विद हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी डूइंग प्रीलिम्स का टेस्ट, मेंस का टेस्ट, एवरीथिंग आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो एवरीथिंग। कैसे पता चलेगा कि मैं राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहा हूँ, बाय राइटिंग टेस्ट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप राइट डायरेक्शन में हो। राइट डायरेक्शन के लिए केवल टेस्ट ही इज द सोल बैरोमीटर फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट। हाँ सर न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है प्रीलिम्स के लिए, मैं पर्सनली नहीं समझता कि बहुत ज़रूरी है, बट फॉर मेंस इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, इसके उसके बिना नहीं हो सकता। उसी में आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसमें आपको कई डायग्राम्स मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे, फिगर्स मिलेंगे, डेटा मिलेगा। जैसे मैं मिंट पढ़ता था 1.5 घंटे, तो मेरे को फैक्ट फिगर्स डायग्राम, उसकी उसमें एक आर्टिकल आता है लॉन्ग स्टोरी,
तो उसमें एक इशू का कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस होता है, डिस्कशन होता है. और इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन आता है, तो आप हर रोज नई चीज पढ़ रहे हो. आई थिंक ये सब चीजें हेल्प करती हैं यार आपको. समझ में. थैंक यू तमन्ना राजपूत, ऐसे कुछ नाम था. आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग. सर कर सकते हैं सर. व्हाट इज योर एज? रुद्र जी माई एज इज 24. आई हैव जस्ट टर्न 24 टू मंथ्स बैक. व्हेन यू स्टार्टेड गिविंग टेस्ट? यार यही मेरी गलती हो गई यार. मैंने टेस्ट अपने सेकेंड अटेम्प्ट से देने स्टार्ट किए थे. इफ आई हैड गिवन टेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट प्रॉब्ली आई माइट हैव क्लियर्ड इट. मुझे पता नहीं है, पर मैंने टेस्ट तो सेकेंड अटेम्प्ट में दिए थे प्री के. और मेंस के मैंने टेस्ट नहीं दिए थे सेकेंड अटेम्प्ट में. मेंस के टेस्ट मैंने थर्ड अटेम्प्ट में दिए हैं. मिंट मैं भी पढ़ूं? आप पढ़ सकते हो मिंट. एक बार आप देख सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है वो. आर यू कंफर्टेबल विद दैट न्यूज़पेपर और नॉट? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था न्यूज़पेपर. सोशल मीडिया कट ऑफ करना जरूरी है? देखो यार मैंने सोशल मीडिया कभी डीएक्टिवेट नहीं किया, बट मैं कभी सोशल इतना रहा भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, तो मेरे लिए कभी इशू रहा नहीं है. पर अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते हो, तो यू कैन डिसेबल इट. आई थिंक बेटर यही रहेगा कि आप डिसेबल कर लो. और जाना ना जाना तो वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है. इफ़ यू वॉन्ट टू गो देयर, आप तब भी जाओगे अगर डिसेबल कर रखा है. ऐसा भी नहीं है कि आप डिसेबल नहीं किया है तो आप नहीं जाओगे. तो ये देखो वो पर्सनल कमिटमेंट है. इफ़ यू आर विलिंग टू गिव अप सर्टेन प्लेजर्स ऑफ योर लाइफ फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, उसके बाद आपकी यार 30-35 साल की जिंदगी अच्छे से कट जाएगी यार. पर आपको वर्क हार्ड करना है. ऐसा नहीं है कि 30-35 आप मजे कर रहे हो, हार्ड वर्क करना है. पर वही है, ये प्रिपरेशन वाला फेज चला जाएगा अगर आप कमिटेड हो अपने गोल की तरफ. सो दैट यू आर विलिंग टू गिव अप सर्टेन प्लेजर्स ऑफ योर लाइफ फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम. यार लवासना कब जा रहे हैं आप? यार पता नहीं यार भाई, शायद अगस्त के एंड में है यार लवासना में जाने का, तो मैं अब देखूंगा. थैंक यू एवरी वन हु इज विशिंग मी. ओजांग सर आपका किस अटेम्प्ट में क्लियर होता? दिस इज फॉर द एंथ टाइम. मेरा थर्ड अटेम्प्ट था ये भाई. दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट. मैं 21 की एज में मैंने फर्स्ट किया था, 22 की एज में सेकेंड किया था, एंड 23 की एज में मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था. सर मेंटरशिप प्रोग्राम? भाई मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का जानता भी नहीं हूँ. काश मेरा कोई मेंटर होता जो मुझको बता देता प्री करना है, मेंस के टेस्ट लिखने हैं, ये है वो है. सर बिना कोचिंग के कैसे स्टार्ट करें? देखो बिना कोचिंग के तो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट होता है. रीड योर एनसीईआरटीज एंड देन इफ यू फील, अगर आप यूपीएससी के उसमें एनवायरमेंट में आ गए हो तो आपको सोर्सेज के बारे में पता चलेगा कि यह ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करने के बाद वी हैव टू मूव ऑन टू पीएमएफआईएस. या आपको पता चलेगा कि देयर इज अ बुक कॉल्ड जीसी लियोंग. तो जब तक आप पढ़ते रहोगे तो आप इन्हीं बेसिक टेक्स्ट को पढ़ो. ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ने के लिए कोई टीचर कोई कोचिंग की जरूरत है. आज यूट्यूब में फॉर एवरी टॉपिक एक्सप्लेनेटरी वीडियोज आर अवेलेबल. यू कैन एक्सेस दोज वीडियोज. यार व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू सी योर रिजल्ट? वो सबको पता है मेरा रिएक्शन. वो वीडियो आपने सबने देखा है. सो आई वुड रैदर नॉट कमेंट. 1 hour ऑफ जिम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस? ओके देखो जिम कर सकते हो आप, बट वही है कि आई कैन टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब एक बार जिम आप करने लगते हो तो फिर आप केवल अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स एब्स के बारे में देख रहे हो कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो दैट मे बी अ लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टिंग. सो आई वुड सजेस्ट नो जिम एटलीस्ट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. यू कैन गो फॉर रनिंग, यू कैन गो फॉर कार्डियो, यू कैन गो फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस, बट जिम्स आई प्रेफरेबली, बिकॉज जो पैशनेट होते हैं जिम के बारे में एक बार वो करने लगते हैं देन दे स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. सर करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें? देखो करंट अफेयर्स तैयार करने का बहुत सिंपल सा तरीका है. कीप योर सोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड. मेरे 2 न्यूज़पेपर थे एंड मेंस 365 फॉर मेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर दुनिया में मेरे दोस्त भी आके कहते थे कि इसको पढ़ लो ये अच्छा सोर्स है, मैं उनको भी मना कर देता था कि मुझे नहीं रीड करना है. यू हैव टू बी लॉयल. लॉयल्टी पेज इट्स प्राइस हियर. लॉयल्टी विल पे यू डिविडेंड्स हियर. बी लॉयल टू योर सोर्सेज. और दूसरी चीज जो है वो है प्रीलिम्स के लिए PT365 एंड इफ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर. अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट नीड टू रन टू हियर एंड देयर. एवरी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट. और अगर आप हर को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे. हाउ टू फाइंड पैशन? भाई यार ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप किसमें अच्छे हो, किसमें आप लंबे टाइम तक कमिटेड रह सकते हो.
सर सी सैट, देखो सी सैट की प्रिपरेशन इज अ गुड क्वेश्चन. देखो सी सैट की प्रिपरेशन मैंने कैसे करी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सी सैट में 68 मार्क्स था, एंड इफ आई हैड गॉटन वन क्वेश्चन रॉन्ग तो मेरा सिलेक्शन ही ना होता. खैर सिलेक्शन हुआ भी नहीं क्योंकि मेरे जीएस में 83 थे. देखो सी सैट का ऐसा है कि हर टॉपिक जो सी सैट का होता है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एच सी एफ एल सी एम हो गया, इन सब के वीडियोज अवेलेबल हैं. चाहे स्टडी क्यू ले, स्टडी आई क्यू का वेबसाइट ले लो, चाहे अड्डा 247 की वेबसाइट ले लो, उन सब के वीडियोज अवेलेबल, उन सब पे एक एक टॉपिक पे 5-5, 10-10 वीडियो अवेलेबल है फॉर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, एक एक घंटे के. और वो लोग क्वेश्चन देते हैं और आप आंसर करो, वीडियो को पॉज कर लो, उसको सॉल्व करो, और नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप क्वेश्चन वीडियो को चला दो, वही लोग सॉल्व भी करते हैं. सो इन एवरी वीडियो यू विल गेट 5-10 क्वेश्चंस, और वो बहुत है, सफिशियंट है. अगर आप 5 वीडियो देख रहे हो आप बोर भी नहीं होंगे, आपको मजा भी आया करने में. तो दैट वॉज माई स्ट्रेटजी, मैंने सारे टॉपिक्स कैसे देख लिए. तो फिर आप टेस्ट करो, टेस्ट से यू फाइंड आउट व्हाट एरियाज यू फाइंडिंग डिफिकल्ट. जैसे मुझे क्लॉक वाले क्वेश्चंस टफ लगते थे तो मैंने एटलीस्ट 15-20 वीडियो ही देख डाले क्लॉक के क्वेश्चंस पे, क्या टू गेट कंफर्टेबल. क्लॉक के 2-3 क्वेश्चन भी आए थे मेरे अटेम्प्ट में दिस ईयर, तो मैंने वो भी कर लिए. तो दिस इज माय स्ट्रेटजी फॉर सी सैट. हाँ अच्छा है, जितनी जल्दी आप प्रिपेरेशन कर सकते हो सी सैट की. एनवायरमेंट एंड बायोजोग्राफी सोर्सेज फॉर ऑप्शनल, यार बायोजोग्राफी का सोर्स वही है यार सविंदर सिंह. एनवायरमेंट जोग्राफी मैंने सीरियसली किया नहीं, मैंने केवल करंट अफेयर्स पे फोकस किया, एंड सो दिस वॉज माई थिंग. हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी का देखो ऐसा है, प्रीलिम्स के लिए या तो आप मिनाल का ले सकते हो जो बुक आती है, मैंने तो मार्केट में बुक ले आया था, या श्रीराम आई एस का एक सोर्स आता है ना, श्रीराम आई एस की एक बुक आती है ना मार्केट में, आप उसको ले सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने और कुछ नहीं यूज किया. और पीटी 365 जो होती है इकोनॉमी की, दैट इज द बाइबल फॉर मी. उसमें बहुत कंटेम्प्रेरी इशूज होते हैं एंड देर इज ऑल्सो वेरी गुड डिस्कशन अबाउट इट. तो एक वो चीज़ बहुत अच्छी होती है. और मेंस के लिए तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेंस के लिए मैंने कोई स्टैटिक बुक नहीं पढ़ी. मेंस के लिए मैं केवल इकोनॉमी का न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा था, द मिंट, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट. और उसी में डेटा भी होता है, उसमें फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं. इनफैक्ट आई थिंक मिंट में फ्राइडे को, हर फ्राइडे को एक सेक्शन आता है आई थिंक सिंपली फैक्ट्स करके. तो उसमें पूरे हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए, जैसे इन्फ्लेशन रेट या जब फेड रिजर्व होता है उसने कोई पॉलिसी फॉलो करी कि भाई वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा, तो जैसे इंडिया से आउटफ्लो होगा कैपिटल का, तो वो उसमें कितने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कितना इंटरेस्ट रेट घटा दिया, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं. या इंडिया में कितना है फॉरेक्स रिजर्व. और मेरे समय मिंट ना हर महीने को, हर महीने में या एवरी 15 डेज वो एक इंडेक्स पब्लिश करता है कंपेयरिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज. तो उसमें वो सारे पैरामीटर्स लिखता है हर कंट्री के. जैसे इंडिया के बारे में लिखेगा कि हमारा डेट टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रेशो क्या है, हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, हमारा वो रुपी का रेट क्या है, रुपी डॉलर का रेट. तो वो कैन बी वेरी हेल्पफुल स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डेटा. तो मिंट मुझे वहां पे यूज किया, मैंने और कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, उसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है. आई एम अ ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज, तो मुझको इतना इशू भी नहीं था. बाय आशा चौहान, बाय सर मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है. सर ऐसे की प्रिपरेशन के लिए क्या कर, देखो ऐसे का जो कंटेंट होगा तुम्हारे ऐसे का, इट विल कम फ्रॉम योर जनरल स्टडीज. ऐसे में मैंने और कुछ नहीं किया था, मैंने अपने सेट ऑफ नोट्स बनाए थे कि महात्मा गांधी के 5 कोट लिख लिए, स्वामी विवेकानंद के 5 कोट लिख लिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 5 कोट लिख लिए, या दिस ऑल्सो जैसे मार्कस ऑरेलियस द फेमस रोमन एम्परर, उसके मैंने 2-3 कोट लिख लिए. तो बस वैसे मैंने कोर्स लिख लिए, उनको डेली रिवाइज कर लिया. और कंटेंट जो है वो आपका जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 से आएगा. और तीसरी चीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैची रख सकते हैं, पर मैंने कभी इतना फोकस नहीं किया कि मेरा इंट्रोडक्शन कैची होगा या नहीं होगा. या तो आप कोर्ट से स्टार्ट कर लो, या एनेक्डोट से स्टार्ट कर लो, या यू हैव सम इनोवेटिव आइडिया आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो. और साथ ही साथ देखो मेरा जो बेसिक एक पैराग्राफ था, एवरी पैराग्राफ शुड कन्वे अ न्यू आइडिया, बेसिकली अ डिफरेंट एंड इनोवेटिव आइडिया इफ दैट्स पॉसिबल. अपार्ट फ्रॉम दैट देखो ऐसा है कि एवरी पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा की आर्ग्यूमेंट जो आप बताना चाहते हो उस पैराग्राफ में, उसका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन एंड एन एग्जाम्पल, केस स्टडीज और डेटा टू सब्सटांशिएट योर पॉइंट. दिस इज, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ माई एसे.
एवरी एसे का जो मेरा पैराग्राफ था उसके तीन पार्ट थे, द बेसिक आर्ग्यूमेंट दैट आई वॉन्टेड टू से, उसका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन एंड एन एग्जाम्पल टू सब्सटैंशिएट माई पॉइंट. हर पैराग्राफ में मैं यही करता था और एंड नथिंग एल्स. और ऐसे के लिए जो चौथी चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो है प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. ऐसे में भी मार्क्स प्रैक्टिस के ही आते हैं, सो अनटिल अनलेस यू हैव प्रैक्टिस इनफ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट अ वेरी गुड एसे ऑन दैट डे इटसेल्फ. तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रैक्टिस करो और ये चीज़ें आप अपने ऐसे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो मोर देन सफिशेंट. सर आई एम मराठी, विच एनसीईआरटी इज़ बेस्ट फॉर मी? सर मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी सर, देखो सर मेरा सीबीएसई बैकग्राउंड नहीं है, आई एम फ्रॉम आईसीएससी एंड आईएससी प्रोडक्ट, तो मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा. आई मीन सेकेंड ईयर हाउ टू प्रिपेयर, आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो. अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, एंड वंस यू कम टू द थर्ड ईयर तो आप थोड़े से एडवांस सोर्सेज में मूव कर जाओ. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी एनसीईआरटी के बाद आप पीएमएफआईएस पे चले जाओ. That is the basic strategy. Detailed strategy for prelims. देखो prelims की कोई strategy से simple नहीं हो सकती, कि जो books हैं आपको books की तरफ ही जाना है, उनको आपको दो व तीन बार पढ़ना है, उनको revise करना है, and you have to do all those things which everyone do. Revise करो दो तीन बार. पर वही है कि उनके साथ क्या है कि books के साथ कि every successive times you read them, जो आपकी marginal utility है उन books से वो कम हो जाएगी. तो देर इज नो एडवांटेज कि आप यार चार बार पढ़ो, पचास बार पढ़ो, पचासवीं बार आप बुक पढ़ोगे तो आपको क्या पता कुछ नया मिले ही ना. और प्रीलिम्स इज मोर अ नॉट अ लर्निंग एग्जाम, इट्स मोर अ रिकॉलिंग, कि आप वहां पे वो चीज स्टेटमेंट लिखा देख रहे हो तो आप उसे रिकग्नाइज कर सकते हो कि इज इट करेक्ट और नॉट. और सेकेंड चीज है कि प्रैक्टिस एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, जितने आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो उतना सफिशियंट है. और करंट अफेयर्स के लिए कीप लीस्ट सोर्सेज newspaper plus PT65. This can be the most detailed strategy. Economics की book के बारे में बताएं कैसे economics. देखो economics का pre के लिए मैंने श्रीराम IAS किया था और मृणाल आप पढ़ सकते हो. Apart from that PT65 mains के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, only mint and mains 65. बहुत detail होती है mains 65. It can be extremely helpful for your answers. देखो optional में सब subjects अच्छे हैं, ऐसा नहीं है. इस बार हिंदी लिटरेचर से भी लोग हुए हैं, ज्योग्राफी से भी हुए हैं, मैथमेटिक्स से भी हुए हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल से भी हुए हैं. सो इट्स नॉट लाइक कोई ऑप्शनल अच्छा है कोई ऑप्शनल खराब है. आप उस ऑप्शन को चूज करो कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि ऐसा तो थोड़ा ना कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा एंड यू वॉन्ट गो टू द सेकेंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट. मैं थर्ड अटैम्प्ट तक इसीलिए आई कुड कंटिन्यू विद ज्योग्राफी बिकॉज आई फाइंड ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग. इसीलिए वही ऑप्शन लो जो आप इंटरेस्टिंग फाइंड करते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई फायदा नहीं है. भाई आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो करो, देर आर सम मैनी ओल्ड एनसीईआरटी फॉर हिस्ट्री, न्यू एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, जो वो अरे ब्लू बुक्स हैं आई थिंक वो न्यू ही हुई हैं एक तरह से. अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत फॉलो करना है. पॉलिटी के लिए मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, पॉलिटी के लिए ओनली लक्ष्मीकांत. कीप योर सोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड तभी आप आंसर कर पाओगे. अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंट के लिए मैंने यार पीएमएफआईएस फॉलो किया था, मैं सोर्सेज बता देता हूँ. एनवायरमेंट के लिए मैंने पीएमएफआईएस फॉलो किया था. हिस्ट्री के लिए एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, मैंने तो एनसीईआरटी भी पढ़ी थी और तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स भी पढ़ी थी. यार ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो इतना टाइम तो मिल ही जाता है पढ़ने के लिए. और साइंस एंड टेक मैंने किया था PT65 से और कहीं से नहीं किया था. और जैसे मैप्स के लिए मैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो मैं वैसे भी मैप्स में ठीक था. आई वॉज नॉट एट ऑल अनकम्फर्टेबल विद मैप्स, तो मेरे को मैप्स में कोई इशू नहीं हुआ. ज्योग्राफी का मैं बताता हूँ, ज्योग्राफी का एंड आई थिंक दिस एवरीवन शुड नोट हियर. ज्योग्राफी का क्या है कि ज्योग्राफी आप पहले जो एनसीईआरटी है ना, ब्लू बुक्स फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन आई थिंक इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट, वो तो ज्योग्राफी है ब्लू कलर वाली, आप उनको पढ़ लो. उसके बाद आप जाओ पीएमएफआईएस पे, पीएमएफआईएस के नोट्स को ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे नोट्स हैं वो नो डाउट. लेकिन पीएमएफआईएस के जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन में जो फीचर्स बनाते हैं, चाहे विंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे कोस्टल सीज हो, वो अच्छे से नहीं एक्सप्लेन्ड है. उसके लिए केवल ये टॉपिक्स के लिए कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं बाय डिफरेंट फीचर्स ऑफ इरोजन, आप उनको जीसी लियोंग से करो. आई थिंक दिस कैन बी द होल पूल फुल प्रूफ स्ट्रेटजी फॉर ज्योग्राफी, स्पेशली फॉर जनरल स्टडीज. और मैं जिस तरह का पेपर देख रहा हूँ दिस ईयर तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आपको करंट भी इनकॉर्पोरेट करना है अपनी ज्योग्राफी में. तो ऐसा नहीं है कि आप ज्योग्राफी छोड़ के जाओगे और यू विल डू ज्योग्राफी वेरी लाइटली. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल स्टडीज, तो बहुत अच्छा नंबर आएगा मेरा. आई थिंक दिस ईयर आई हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स इन
हाईएस्ट मार्क्स इन पेपर वन जनरल स्टडीज, इसीलिए मुझे लग रहा है क्योंकि ज्योग्राफी बहुत आया था इस साल. एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर ज्योग्राफी क्वेश्चंस इन द इन दिस ईयर जो सितंबर में, आई थिंक 16 सितंबर से होने जा रहा है मेंस. सो फोकस मोर ऑन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स. हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ नहीं पाया क्वेश्चन, एक सेकेंड. हिस्ट्री के लिए सिलहर बंद, नहीं मुझे नहीं पता उनके बारे में. लेट्स सी व्हाट इज द न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो जीएस 3 और 4, अच्छा देखो जीएस 3 और 4 कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट कोचिंग. जीएस 3 तो पूरा करंट अफेयर्स है, तो आपको हर एक टॉपिक के एक मतलब एक बेसिक ब्रीफ सेट ऑफ नोट्स बना लेने चाहिए. जैसे एग्रीकल्चर का बना लीजिए, या मैंने सिक्योरिटी का भी बना लिया था, वही जो बाजीराम की येलो बुक होती है वहाँ से. आफ्टर दैट मैंने इकोनॉमी वाले कुछ टॉपिक्स थे इनके नोट्स बनाए, जैसे लैंड रिफॉर्म्स वाला क्वेश्चन नहीं होता है, या इंडियन रिफॉर्म्स, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर मैंने बना लिया था. तो ये बेसिक चीज़ें मैंने उनके नोट्स बना लिए थे. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के भी मेरे 2-3 पेज के नोट्स प्रिपेयर हो गए थे, तो दैट्स नॉट एन इशू. जी जीएस 4 में क्या करना है कि हर एक जो टॉपिक है सिलेबस का उसके ऊपर एक एक पेज का एक्सप्लेनेशन लिखना है, एंड देन एग्जाम्पल. आफ्टर दैट उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको टेस्ट लिखने हैं जितने आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो इकलौता पेपर है जिसमें टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. एंड दिस इज ओनली वन ऑफ द फ्यू जनरल स्टडीज पेपर जिसके लिए मैं टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो पहली बात लंबा होता है, लेंदी, इट्स अ लेंदी, यू हैव टू राइट मोर. और उसमें क्या है कि वो पेपर इज अ लिटिल मेंटली फटीगिंग. यहाँ चाहे आप पहले 13 क्वेश्चंस कर लो 10 मार्कर, उसके बाद आप थक जाते हो, एंड देन यू हैव 6 केस स्टडीज टू हैंडल. उसमें पढ़ना भी है, समझना भी है, एनालाइज भी करना है, और 3-4 क्वेश्चन भी आंसर करने हैं. तो उसकी अगर आपको पहले ही प्रैक्टिस हो जाए थ्रू नंबर ऑफ टेस्ट, सो दैट टेस्ट कैन बिकम, यू कैन स्कोर वेरी वेल, वेरी गुड मार्क्स. मैंने इस साल नहीं फोकस किया इतना, सो आई हैव एंडेड अप विद अ स्कोर ऑफ 99. आई कुड हैव स्कोर्ड मोर अगर मैंने थोड़ा फोकस किया होता. हाँ, चलो 5 मिनट्स और कंटिन्यू करेंगे, एंड आफ्टर दैट आई गो ऑफ. थक गया हूँ मैं भी. वेलकम दिव्यांशु त्रिपाठी. मेंस के लिए नोट्स बताएं, मेंस के लिए नोट्स सर बताएं ना प्लीज. देखो नोट्स बनाना तभी स्टार्ट करना चाहिए जब यू हैव रेड दैट टॉपिक एटलीस्ट 2 times, वरना आपको पहली बार पढ़ के आप नोट्स बनाओगे तो आप दुनिया भर की चीज़ें लिख लोगे उसमें. मेरे तभी बनाइए व्हेन यू हैव अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट, और आप कंफर्टेबल हो उस कॉन्सेप्ट पे, तभी आप नोट्स बनाओ. हर चीज़ के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले टॉपिक के आप नोट्स बना लो, इट कैन बी मैनेज्ड, ठीक है, या एग्रीकल्चर वाले टॉपिक के पेपर 3 में नोट्स बना लो, या एथिक्स के आप नोट्स बना लो. पर अब पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत यू विल हैव टू रीड फ्रॉम देयर ओनली. उसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री के भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ज्योग्राफी के लिए भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन रीड फ्रॉम द बुक्स. तो वही है, ये आपको खुद एक पर्सनल कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर कंफर्टेबल विद मेकिंग नोट्स. जिन सब्जेक्ट्स में कोई डिफाइननेस नहीं है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कितना वेक सा टॉपिक है, उसके लिए आप नोट्स बना लो. अपार्ट फ्रॉम द जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं विच यू रीड फॉर प्रिलिम्स, उसके लिए आपको मेंस बनाने की जरूरत नहीं है. मैंने बना लिए थे, जैसे मैंने मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम के नोट्स बना लिए थे, विच आई डोंट रेकमेंड. वो मैंने इसलिए बना लिए थे क्योंकि मेरे पास मेरा ये 3rd attempt था, एंड आई हैड सफिशियंट टाइम, और मेरा 1st attempt में हुआ भी नहीं था, तो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने बनाते बनाते नोट्स बना लिए. बट आई डोंट रेकमेंड दैट टू एवरीवन. उसके लिए आप केवल किताबों से रीड करिए, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए, और एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करिए मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में आपको निटी ग्रिटीज में नहीं जाना है कि हाँ ये वाला पॉइंट भी रट लें, ये वाला पॉइंट भी रट लें. एक होल होल पर्पस टाइप ऑफ व्यू, मतलब कि आप गांधी जी के बारे में ब्रॉडली कितना जानते हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, अब ये नहीं कि गांधी जी ने इस साल को ये किया, उस साल को ये किया, ये फैक्चुअल डिटेल तो हमने प्री में रट ही लिए हैं. अगर कोई याद आ गया तो हम लिख देंगे, नहीं याद आया नहीं लिखेंगे. लेकिन बट टू आंसर दैट क्वेश्चन फुली, यू शुड डेवलप अ वेरी होलसम व्यू ऑफ अबाउट गांधी जी. वॉट वर इज व्यूज, वॉट ही थॉट वॉज गुड, वॉट ही थॉट वॉज बैड. अब इसी साल इस एक क्वेश्चन आया था कि आई थिंक उनके प्रोग्राम्स के ऊपर, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स. तो ऐसा थोड़ा ना कि आप माइन्यूट हर एक चीज़ रटते चले होंगे. अंटिल अनलेस यू नो अबाउट गांधी, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट दैट आंसर वेल. तो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए हर पेपर के लिए फॉर मेंस.
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी सैट का वही है, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे और वही जो जो टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते थे, आफ्टर दैट आई डिड टेस्ट. और आप टेस्ट में टारगेट करो कि हमको ऐसा नहीं है कि केवल इतने क्वेश्चन करने हैं, किसी तरीके से 67 क्रॉस हो जाए. यू शुड डू इनफ दैट यू आर गेटिंग एटलीस्ट 80-85 मार्क्स, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि माई सी सैट इज क्लियरिंग. आप उस अधर में नहीं हो कि हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, और आप ना एक महीना बेकार कर दो. अब तो अच्छा हुआ है यूपीएससी ने 17 दिन में ही रिजल्ट दे दिया है प्री का, बट बैक इन द डेज यूपीएससी यूज टू टेक एटलीस्ट 1 month बिफोर रिजल्ट. और अगर आप एक महीने बैठे रहोगे वेन यू हैव 3 months ऑफ टाइम टू स्टडी, तो वैसे ही यार आप पीछे हो गए एज कम्पेयर टू योर कम्पिटिटर्स. सो ऐसा करो कि यू आर मेंटली फ्री फ्रॉम सी सैट और आप मेंटली फ्री हो जीएस से एंड यू कम बैक. तो देखो मैंने केवल टेस्ट सीरीज के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ राइटिंग सो मेनी टेस्ट इन प्रीलिम्स जनरल स्टडीज, मेरा स्कोर 83 से 121 गया इन सेकेंड अटेम्प्ट. एंड दिस अटेम्प्ट मेरे पास केवल 16 दिन थे पढ़ने के लिए, पर मैंने इतने सारे टेस्ट पहले ही कर लिए थे कि वो रिजर्वायर ऑफ जो नॉलेज होती है ना, बिकॉज मैंने उन चीज़ों को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखा था, तो दैट इवेंचुअली केम बैक टू मी. एंड व्हेन आई सॉ देम ऑन द क्वेश्चन पेपर, मुझे रटा नहीं था, लेकिन व्हेन आई सॉ देम ऑन द क्वेश्चन पेपर, तो आप रिकॉल कर लोगे कि हाँ यार ये सही है गलत है, आपको एक फीलिंग आ जाएगी. तो ये मेरे साथ हुआ. एंड दिस ईयर में जब 16 दिन थे, लास्ट ईयर सेप्टेम्बर 24 को रिजल्ट आया था और 10 अक्टूबर को मेंस था, प्री था, तो 16 दिन में मैंने तकरीबन 28-30 टेस्ट ही किए थे और मैं कुछ नहीं रिवाइज कर पाया था. एंड आई एंडेड अप विद अ स्कोर ऑफ 119 सिंपली बिकॉज आई सॉ एटलीस्ट 10,000 क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स और मैंने उनके सॉल्यूशंस रीड किए थे. दैट केम टू माय रेस्क्यू. सो टेस्ट सीरीज तो इज बियॉन्ड डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे हो प्रीलिम्स में तो प्री क्लियर नहीं होगा, मैं तो ये कैटेगोरिकली कह सकता हूँ. और मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो, वेव कर रहे हैं सब. अच्छा लेट्स टेक, मैं 5 क्वेश्चन और लूंगा बस. सर हर कोई सेम ही बुक पढ़ता है बट सिलेक्शन नहीं होता हर किसी का, हाउ टू रीड द स्टैंडर्ड विद. देखो कोई स्टैंडर्ड, कोई राइट तरीका नहीं होता बुक रीड करने का. एवरीवन हैज हिज और हर ओन स्टाइल ऑफ रीडिंग अ बुक. कुछ लोग बुक्स बहुत लंबे टाइम से रीड कर रहे हैं तो वो तुरंत पढ़ लेते हैं. सम पीपल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो आप अपना खुद का प्रोसेस डेवलप करो, बट इवेंचुअली यू विल कम टू द कंक्लूजन कि आप पहले ही टाइम में कितनी बार भी कैसे भी पढ़ लो आपको रिविजन करना है, और रिविजन करने के साथ टेस्ट लिखने हैं. इन दो चीज़ों को कंबाइन करना है. जो लोग सब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, रीडिंग बुक्स मल्टीपल टाइम्स, सीरियसली पढ़ रहे हो बिकॉज देर इज अ कमिटमेंट कमिंग फ्रॉम योर साइड दैट यू हैव टू स्टडी, उसके साथ आप टेस्ट करते हो और उसके साथ आप करंट अफेयर्स के सोर्सेज को रिस्ट्रिक्टेड रखते हो अलॉन्ग विद योर सोर्सेज ऑफ जनरल स्टडीज रिस्ट्रिक्टेड, तभी उन लोगों का ही होता है. डिड यू फॉलो फॉर प्रीलिम्स? नहीं, मैंने विजन की फॉलो किया था फॉर प्रीलिम्स. लास्ट ईयर मैंने इनसाइट्स आईएएस का फॉलो किया था, तो इनसाइट्स इज वेरी गुड, विजन इज ऑल्सो वेरी गुड. आई थिंक इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, पर वो आप यू शुड बी कंफर्टेबल विद. डू यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फ्रॉम द बिगिनिंग? नहीं यार, मैंने आंसर नहीं लिखे थे बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन से, वो मेरी गलती थी. अगर आपका प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर है पहला अटेम्प्ट, तो आप अभी से लिखना स्टार्ट कर दो, वरना दोज पीपल जिनका अभी प्री क्लियर हुआ है, तो ये 3 जो महीने होते हैं इसमें आप अपनी आंसर राइटिंग को इंटेंसीफाई कर दो. राइट एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, अटेम्प्ट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, और आंसर राइटिंग की हम 1-2 क्वेश्चन डेली लिखेंगे, एंड आंसर राइटिंग एज इफ यू आर राइटिंग फॉर द एंटायर टेस्ट. दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, तो आपको प्रैक्टिस करना है दोनों को. लेट्स से कोचिंग ज्वाइन किए थे? हाँ, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, बट आई विल टेल यू जनरल स्टडीज के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है. ऑप्शनल के लिए यू कैन ज्वाइन इट बिकॉज आई रिकमेंड इट प्रॉब्ली. आई विल टेक 2 मोर क्वेश्चंस नाउ. सर प्लीज से समथिंग. देखो हिंदी मीडियम के बारे में यही कहूंगा कि हिंदी मीडियम में जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक दे शुड स्टिक टू देयर मीडियम. ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले नहीं होते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया है, कई आईएएस एस्पिरेंट्स आईएएस हुए हैं इस साल लोग जो हिंदी मीडियम के हैं. बस ये इशू होता है कि सोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं, टीचर्स कम अवेलेबल हैं, एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर गिविंग एवरी ईयर बहुत कम है, तो इसलिए उनका नाम भी मेन लिस्ट में कम होता है. इसलिए हमको लगता है कि हिंदी वाले कम होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करो किसी भी लैंग्वेज में आपका सिलेक्शन होगा, बस मेहनत करनी है. सर 12th में मैंने बताया मेरा 99 था, पर वो यार क्लास 12th होता है यार,
ऐसा नहीं है कि मेरे क्लास 12th में आ गए तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया यार. यूपीएससी हम्बल कर देती है, सो यू हैव टू वर्क आउट. डू यू प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चन एवरी डे? यस. दिस अटेम्प्ट में मेरे पास 16 दिन थे, तो मैंने हर दिन एक प्रीलिम्स का टेस्ट लिखा था और मैंने उसके सोल्यूशन रीड किए थे. सो यू शुड, हर किसी का सोल्यूशन नहीं रीड कर पाया था, सॉरी, बट मैंने कोशिश किया था कि मैं जिस जितने क्वेश्चन है उनको रीड कर लूँ. नाउ लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन. एनसीईआरटी नहीं यार, मैं बता चुका हूँ एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए. बहुत अच्छी बात है शिवान्य, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका हिंदी मीडियम से भी हो जाएगा. सर मुझे ईयर पीस और ईयर पियर्सिंग और मेडिकल, नहीं मेरे समझ से नहीं होता ईयर पियर्सिंग का इम्पैक्ट मेडिकल पे, बट आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर. बाय मोनिका शर्मा. मैंने कोचिंग के बारे में बता दिया है. लेट्स टेक अ डिफरेंट क्वेश्चन ना, ताकि मैं कुछ बता सकूं. इंटरव्यू मीडियम वाला भी क्वेश्चन इंग्लिश था भाई मेरा इंटरव्यू मीडियम. और पहले ही स्टार्ट करना है. लेट्स टेक वन फाइनल गुड क्वेश्चन एंड देन मैप कैसे करा. देखो मैप, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक अप टुडे. देखो मैप करने का बहुत सिंपल सा तरीका है. आप रोज एटलस देखो, पहली बात. ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लाओ, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस नहीं, स्टूडेंट एटलस, ठीक है. चाहे वो ओरियन ब्लैक स्वान की हो, चाहे वो मैं तो ऑक्सफोर्ड की यूज करता था, मेरे पास ओरियन ब्लैक स्वान भी थी. उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिवाइज एन ऑप्शनल? एटलीस्ट 4-5 टाइम्स दिस ईयर. दिस वॉज वो था मेरा. देखो मैप का क्या है कि डेली मैप में मैं जनरल स्टडीज वालों को बता देता हूँ. मैंने क्या किया था कि मैंने अपने जो मैप्स होते हैं ज्योग्राफी वाले, सॉरी ऑक्सफोर्ड वाली बुक में, उनमें हर एक मैप पे मैंने टाइगर रिजर्व को मार्क कर लिया था, ताकि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर पन्ना टाइगर रिजर्व मार्क कर रहा हूँ तो मुझे पता चल गया था कि वो केन पे ही है. ये कहाँ से हुआ? मैंने हर एक टाइगर रिजर्व को गूगल मैप्स पे सर्च किया था, और उसको जब आप जूम आउट करो यू विल गेट अ होलिस्टिक व्यू कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पे वो जगह आती है, कहाँ पे नहीं आती है. सो ये एफर्ट मैंने खुद से लिया था. आई गूगल ऑल द टाइगर रिजर्व्स, ऑल 51-52 जितने भी हैं, रामगढ़, विषधारी, इन सबके ऐड होने के बाद से 51-52 हो गए हैं. मैंने सारे रामसार साइट्स को गूगल पे सर्च किया था टू गेट अ होलिस्टिक व्यू. और मैंने अपनी गूगल वाली मैप वाली बुक में, जो डिटेल मैप्स नहीं होते बड़े बड़े मैप जिसमें राजस्थान गुजरात केवल दिखा रहे हैं, जिसमें यूपी बिहार गुजरात दिखा रहे हैं, उन सब में, उन मैप्स पे भी मैंने मार्क कर लिया कि कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं. तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि यार इसके पास से ये रिवर गो थ्रू कर रही है, यहाँ से ये रिवर गो थ्रू कर रही है. और जो एक इंडिया का पूरा मैप नहीं होता है फिजिकल मैप, छोटा सा जो पहले दूसरे पेज पे ही होता है एटलस के, उसमें भी मैंने टाइगर रिजर्व मार्क कर लिए थे, ये मार्क कर लिया था. सब जितना सब मैं मार्क कर सकता था उतना मैंने मार्क कर लिया था. और मैंने हर किसी को गूगल मैप पे सर्च किया था, मैंने ऐसे नहीं मार्क कर लिया था कि कहीं मैंने देखा कोई वो हो गया. और जितने भी चीज़ें होती हैं जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व भी मैंने अपने गूगल मैप्स पे सर्च करके उनको जूम आउट करके टू गेट अ बर्ड आई व्यू, और मैंने अपने मैप से मार्क कर लिया. तो जितनी भी चीज़ें होती हैं जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैंने उनको ऐसे मार्क कर लिया था. आप भी ऐसे मार्क कर सकते हो, आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा उस कॉन्टेक्स्ट में. दूसरी चीज़ थी फॉर ऑप्शनल पीपल, आप डेली मैप देखते रहो, आप डेली अखबार में जगह आती हैं आप वो मार्क करते रहो. और जब आप कोई एक जगह मार्क करते हो, आप थोड़ा सा नज़र डालो कि उसके दो तीन उसके मतलब एक रेडियस में, एक सेंटीमीटर के रेडियस में कौन कौन से शहर हैं. जैसे अगर मैं जयपुर मार्क कर रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि सीकर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, उसी के पास में झुंझुनू पड़ता है, थोड़ा सा इस तरफ दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट में आपके दिल्ली पड़ेगा, थोड़ा सा ईस्ट में भरतपुर पड़ जाएगा, थोड़ा सा साउथ वेस्ट में आपका टोंक या दौसा वाले डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएंगे, थोड़ा और साउथ वेस्ट में आपका बूंदी कोटा पड़ जाएगा, थोड़ा सा साउथ वेस्ट में आपका अजमेर किशनगढ़ पड़ जाएगा. तो इस तरीके से ज्योग्राफी ऑप्शन वालों की बात कर रहा हूँ, तो आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू आस्क यू टू मार्क लेट्स से तमेंगलोंग, नाउ तमेंगलोंग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर, तो आपको आना चाहिए. या इफ आई वर टू आस्क यू टू मार्क अ प्लेस कॉल्ड दीमापुर, दीमापुर इज इन नागालैंड, अगर मैं कहता हूँ सिरोही डिस्ट्रिक्ट को मार्क करो, तो आपको पता होना चाहिए कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट कहाँ है राजस्थान में. अगर आप, और अगर आपने मैप में देखा है सिरोही डिस्ट्रिक्ट आया है, तो अगर आप जहाँ पे सिरोही डिस्ट्रिक्ट मार्क कर रहे हो
जहाँ पे आप सिरोही डिस्ट्रिक्ट मार्क कर रहे हो उसके आपके आपको पता होना चाहिए कि सिरोही के पास जलोर पड़ता है, उसी के पास साउथ में महिसना पड़ता है, पालानपुर पड़ता है, पाटान पड़ता है, यू अंडरस्टैंड दैट। और थोड़ा सा उसके नॉर्थ में आप जाओगे तो आपको जोधपुर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इससे क्या होगा कि आप एक जगह, अगर आपने 10 जगह भी मार्क करी हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट कि देर आर 50 प्लेसेस आपने मार्क कर ली हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद मैंने क्या किया, जब ये आप करोगे 2 महीने 3 महीने तक, आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि आपकी एटलीस्ट पता नहीं कितनी सारी मैप एंट्रीज हो जाएगी। एंड व्हेन व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा क्या था कि मेरे जो सेकेंड अटेम्प्ट था इन विच आई एंडेड अप विद स्कोर ऑफ 137 इन इंडियन ज्योग्राफी ऑप्शनल, उसमें मेरे 9 सही थे मैप में, 10 आउट ऑफ 10, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर आई थिंक। सो आई कैन से कि ये स्ट्रैटी वर्क कर गई। और इस वाले अटेम्प्ट में मेरे 7 थे, बट दिस टाइम आई थॉट द मैपिंग वॉज अ लिटिल टफ, पर ये बेस्ट चीज़ है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आप मार्केट से कोई भी बुक ले आओ मैप वाली, जैसे मैं ले आया था ज्योग्राफी थ्रू मैप्स नाम की एक बुक है, और उसके एंड में अराउंड फॉर 150 या 200 पेजेस में उसमें क्या था कि उसमें जगहों के नाम थे। तो आप वो सारी जगहों को मार्क नहीं करना है, आप देखो उसमें अगर लिखा है दिल्ली तो उसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप, अगर एक और नया तरीका है, आप ये तो देख लो कि कौन कौन सी जगह आपने मार्क नहीं करी है, आप नहीं मार्क कर पा रहे हो। जैसे अगर उसमें जगह आ जाती है जैसे नेवली, आपको नहीं पता है कहाँ है, तो आप देखो मैप पे मार्क करो, ठीक है। और उसमें अगर अगर एक और तरीका है कि उसमें हर जगह देखो, दिल्ली देखो, दिल्ली के आसपास देखो कौन से शहर है, जैसे नॉर्थ में पानीपत है, इधर वेस्ट में बहादुरगढ़ है, महेंद्रगढ़ भी पड़ता है, साउथ वेस्ट में आपका गुड़गांव है। इस तरीके से आप नए नए तरीके डेवलप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो छोटे छोटे शहर पूछे जाते हैं वो आपको पता होंगे, उसी मैप की बुक में आपके सारे रिवर्स होंगे और लेक्स होंगी, तो आपको वो पता होना चाहिए। अगेन अब देखो इससे क्या होता है कि जो आप केस स्टडीज देते हो ऑप्शनल के पेपर 2 में, वो उसमें भी आपको हेल्प होगा। जैसे मैंने इस साल जो केन बेतवा वाली केस स्टडी बनाई थी, उसमें मैंने जगहों के नाम लिखे थे, रिलेटिव प्लेसेस, पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, उमरिया, तो वो सब मैंने इसीलिए लिख दिया था ताकि इट लुक्स लाइक अ रीजनल मैप, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ यार इस जगह से ये जगह जुड़ती है, इस जगह से वो जगह जुड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपकी मैपिंग आपकी हेल्प करेगी इन योर मेंस एंड इन योर ऑप्शनल। और जितना अच्छा आप मैप दे पाओगे उतना अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। पर अगर वही आप टाइगर रिजर्व्स को मार्क करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, देखो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना टाइगर रिजर्व्स को, आपको रट जाएगा, फिर भूलेगा नहीं कभी कि अगर अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, तो रामगंगा रिवर वहाँ से गो थ्रू कर रही है, कभी नहीं भूलेगा आप। तो इस तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। एंड बस ये हो गया, आई थिंक दिस वॉज माई मैप वाली स्ट्रैटेजी। और अब मैं आई थिंक आई विल गो आई थिंक आई कट शॉर्ट माई लाइव स्ट्रीम नाउ। मेरी पहली लाइव स्ट्रीम थी, आई होप ऑल ऑल ऑफ यू लाइक इट। देखो मैं बस लास्ट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी टफ स्ट्रगल, आई विल से बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। और जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, मैं ये जो मैं जिस कमरे में बैठा हूँ उसी के उधर ही मेरा कमरा है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, IAS बन गया मैं, तो उस जिस कमरे में मैं कह रहा हूँ ये चीज़, उसी कमरे में जस्ट 7 to 8 months बैक मैं हाइपर वेंटिलेट कर रहा था, और मैं उसी कमरे में जो आपको उस वीडियो में सोफा दिख रहा है उसमें बैठ के मैं रो रहा था, आई वॉज क्राइंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ माई मदर कि मम्मी क्या हो गया, ठीक है। तो बट इवेंचुअली माई मदर स्टूड अप विद मी, उन्होंने बोला पढ़ाई करो, मेहनत करो, आपका क्लियर होगा। और वो जो 7 महीने का टाइम था, मैंने 3 महीने बहुत मेहनत करी थी, एंड इवेंचुअली आई एंडेड अप विद द स्कोर। अब मैं यही कहूँगा कि अगर मैं कुछ कह सकता हूँ अपने लिए कि आई विल ट्राई टू बी एज हम्बल एज एनी वन एक्सपेक्ट्स ऑफ मी, आई विल ट्राई टू डू माई वर्क, जो भी मेरे वर्क में आता है करियर में भाई, क्योंकि मुझे इतनी मेहनत से मिला है, आई कांट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बस वही है कि अगर आप 3-4 महीने वर्क करो तो आप वहाँ से, उस सोफे से मैं चिल्ला रहा था वीडियो जो लीक हो गया, सो आपको कुछ भी, मतलब इट डजेंट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट बट इट विल रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट, और वो आपको देना है। और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी, यू नो, अब मैं सोचता हूँ तो मुझको लगता है कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्काइज, या हो सकता है देयर इज अ वे, दीज आर द वे थिंग्स वर्क अराउंड। अब जो भी है, थैंक यू निहारिका, थैंक यू वंश। तो यही सब चीज़ें हैं कि जो, मतलब दीज इवेंट्स शेप यू एज अ पर्सन,
एंड हैप्पी कि ठीक है जो था वो हो गया इन माय सेकंड अटेम्प्ट. वो वही है कि आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट आई डिड नॉट लूज होप, आई वर्कड हार्ड कंसिस्टेंटली, आई वर्कड हार्ड और नाउ टुडे आई एम सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द डिवाइड एंड आई वुड एक्सपेक्ट एंड आई विश एवरी वन टू बी ऑन दिस साइड ऑफ द डिवाइड. और आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर दैट वंस यू क्लियर इट एवरी स्ट्रगल वुड सीम माइन्यूट, इट वुड सीम यू नो नॉट इवन वर्थ योर टाइम, यू वॉन्ट इवन थिंक अबाउट इट एंड योर लाइफ विल सडनली चेंज एंड दिस विल हैपन. एंड आई एम वेरी आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, टू माई फ्रेंड्स, टू एवरी वन हु वॉज पार्ट ऑफ दिस जर्नी, टू माई सिस्टर एंड टू एवरी वन हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट द जर्नी एंड टूडे यू ऑल आर सपोर्टिंग मी, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो. नाउ ओके आई विल टेक माई लीव, गुड नाइट टू एवरी वन, गुड नाइट टाटा, बाय बाय.